उपखंड अधिकारी दिलीप सिंह राठौड़ ने पत्रकारों के साथ साझा की राज्य सरकार के गृह विभाग की नई गाइडलाइन। 3 मई तक चल रहे जन अनुशासन पखवाड़े के तहत नए दिशा निर्देश। सुबह 11 बजे के बाद आवागमन भी प्रतिबंधित। कोविड प्रबंधन से जुड़े राजकीय कार्य के अलावा समस्त राजकीय कार्यालय बंद रहेंगे। ई मित्र एवं आधार केंद्र खुले रहेंगे। शनिवार और रविवार को बाजारों में पूर्णतया बंद रहेगा। खाद्य पदार्थ और किराने की दुकानें, आटा चक्की, पशु चारा विक्रेता सप्ताह में 5 दिन केवल सोमवार से शुक्रवार को सुबह 6 से 11 बजे तक ही जा सकेंगे खोले। सब्जियां एवं फल साइकिल रिक्शा एवं ठेले पर रोजाना सुबह 6 से 11 बजे तक बेचे जा सकेंगे। मंडियां और फल सब्जी की दुकान रोजाना सुबह 6 बजे से 11 बजे तक ही खुली रहेंगी। डेयरी और दूध की दुकानें रोजाना सुबह 6 से 11 और शाम 5 से 7 बजे तक खुल सकेंगी। कृषि आदान विक्रेताओं की दुकानें सप्ताह में 2 दिन सोमवार और गुरुवार को सुबह 6 से 11 बजे तक ही खोली जा सकेंगी। प्रोसेस्ड फूड, मिठाई, रेस्टोरेंट, होटल को खोलने की अनुमति नहीं होगी। यद्यपि होम डिलीवरी कर सकेंगे। विवाह शादी के आयोजनों में 50 से अधिक की उपस्थिति नहीं होगी एवं 3 घंटे का कार्यक्रम ही अनुमत होगा। ऐसे कार्यक्रमों में राजकीय कर्मचारी भेजकर कोविड गाइडलाइन की अनुपालना की पुष्टि की जाएगी। विवाह शादी आदि के लिए ऑर्डर पर कपड़े आभूषण की होम डिलीवरी की जा सकेगी। बसों को छोड़कर निजी वाहनों पर आवागमन भी प्रतिबंधित। केवल अति आवश्यक कार्य के लिए ही जाया जा सकेगा। निजी वाहनों के लिए पेट्रोल पंप और LPG सेवा प्रातः 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक की अनुमत रहेगी। शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू रहेगा और आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। उपखंड अधिकारी ने पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ प्रेस वार्ता के बाद शहर के प्रमुख मार्गों पर दौरा कर राज्य सरकार के दिशा निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित की और नए नियमों की जानकारी उपलब्ध करवाई। देखिए, आज सरकार की दोबारा से गाइडलाइन जारी हो गई है। तो सबसे पहले तो जो हमारा शुक्रवार को शाम को 6 बजे से सोमवार को सुबह 5 बजे तक का जो वीकेंड कर्फ्यू है वो जारी रहेगा। वीकेंड कर्फ्यू में सिर्फ कुछ ही प्रकार की सेवाएं हैं वो अनुमत है। उसमें डेयरी और दूध की दुकानें सुबह 6 बजे से 11 बजे तक और शाम को 5 बजे से 7 बजे तक। दूसरा, फल फूल और सब्जियों की मंडी या उनके बेचने वाले, चाहे वो खुदरा हो या थोक विक्रेता हो या ठेले पे बेचने वाले, वो लोग 6 बजे से 11 बजे तक अनुमत होंगे। इस प्रकार इसके साथ कोई आदमी हॉस्पिटल जाना चाहता है या कोई वैक्सीनेशन कराने जा रहा है या चिरंजीवी योजना में अपना रजिस्ट्रेशन कराने जा रहा है, ये सारी एक्टिविटीज़ अनुमत होगी। इसके अलावा कोई भी एक्टिविटीज़ वीकेंड कर्फ्यू में अनुमत नहीं होगी। और मंडे से, मतलब कि दिनांक 26 से कुछ और ज़्यादा परिवर्तन हमारे को नज़र आएंगे। उसमें आप देख रहे हैं कि बैंक, बीमा और माइक्रो फाइनेंस की जितनी कंपनियाँ हैं वो सिर्फ 10 से 2 बजे तक खुलेगी। दुकानों का टाइम भी सरकार ने डिसाइड कर दिया है। जो खाद्य पदार्थों से रिलेटेड दुकानें हैं, जैसे आटा की चक्की है या खुदरा या कोई थोक की कोई किराना की दुकान है, वो सुबह 6 से 11 बजे तक, मतलब सोमवार से शुक्रवार का अलग टाइमिंग रखा है और वीकेंड के लिए, वीकेंड कर्फ्यू के लिए अलग से रखा गया। इसी प्रकार पशु चारा से संबंधित दुकानें वो भी 6 से 11 खुलेगी। कृषि आदान विक्रेताओं की दुकानें या उस टाइप के जो परिसर है वो भी सिर्फ वीक में 2 दिन 6 से 11 सोमवार और गुरुवार को खुलेंगे। और डेयरी, दूध मंडी, फल सब्जियां, फूल इत्यादि का वही 6 से 11 वाला टाइमिंग रहेगा। और दूध और सब्जी का, सॉरी, सिर्फ दूध और डेयरी की जो दुकान है वो शाम को 5 से 7 बजे तक अनुमत रहेगी। इसमें एक और चेंजेज हुआ है कि जो प्रोसेस्ड फूड यानी कि जो बेकरी है या मिष्ठान भंडार है, इस टाइप की जो दुकानें थी वो दुकानों में पहले कोई आदमी आके वहाँ से टेक अवे टाइप डिलीवरी ले सकता था, लेकिन अब सिर्फ होम डिलीवरी ही होगी। कोई भी व्यक्ति वहाँ आके परचेज नहीं करे। पेट्रोल पंप के लिए सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। मंडे ऑनवर्ड 7 बजे से 12 बजे तक सुबह के टाइम में जो निजी वाहन है वो पेट्रोल ले सकते हैं। उसके बाद में किसी भी पेट्रोल पंप को, निजी वाहन को कोई डीजल या पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। सिर्फ अत्यावश्यक सेवाएं और जो सरकारी वाहन है उन्हीं को उसके बाद में पेट्रोल डीजल अवेलेबल रहेगा। एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, मंडे ऑनवर्ड्स सुबह 5 बजे लागू हो जाएगा ये सोमवार को,
उसमें निजी वाहन भी एक जिले से दूसरे जिले में अत्यावश्यक और इमरजेंसी सेवाओं को छोड़ के अनुमत नहीं होंगे। ये एक विशेष ध्यान देने वाली बात है। निजी बसें 50% बैठक क्षमता के साथ में अनुमत रहेगी।